फरीदाबाद नगर निगम की पोल पहले ही शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने खोल रखी है। अब नगर निगम की एक और लापरवाही सामने आई है, जिसने इस बार स्थानीय लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया है। हालांकि निगम से शिकायत कर करके परेशान हुए यहां के लोगों ने अब खुद ही शहर की दिक्कतों का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है और निगम से उम्मीद छोड़ खुद ही शहर को व्यवस्थित करने में जुट गए हैं। दरअसल इस बार जब नगर निगम ने महीनों से टूटी इस पुलिया के बारे में नहीं सोचा तो स्वयं समाज सेवी संगठन आगे आए और लोगों को सतर्क करने के लिए सावधानी बरतने का बोर्ड लगाया, क्योंकि आए दिन इस टूटी पुलिया में राहगीर और गाड़ी समेत कई लोगों के गिरने की घटना घट रही थी, जिसको देखते हुए समाज सेवी मंगला ने नगर निगम की जिम्मेदारियों को खुद ही उठाते हुए यह कॉजन बोर्ड लगवाया। देखिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद की यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार फरीदाबाद, आप जो सामने नजारा देख रहे हैं कुछ लोग हैं समाज सेवी संगठन के हैं और जो पुलिया है ये आपको एरिया हम बता दें, ये सामने जो पुल है सलूजा पेट्रोल पंप है, बीके से जब नीलम की तरफ जाते हैं तो उस रोड पर ये पड़ता है, सामने जो सलूजा पेट्रोल पंप है और ठीक उसके सामने पीएनबी बैंक, यहाँ पर ये पुलिया है, ये पूरी तरह से टूटी हुई है और लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, कई गाड़ियाँ इसमें गिर चुकी हैं और आज ये समाज से भी हैं हमारे दीपक मंगला जी जो यहाँ पर बोर्ड बनवा रहे हैं, खुद यहाँ पर बोर्ड लगाए हैं, देखिए आगे खतरा है और इसका पूरी तरह से इसको यहाँ पर ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो है हादसों का शिकार ना हो। तो एक तरफ यह काम नगर निगम का है, प्रशासन का है, लेकिन नगर निगम की नाकामी के कारण जो है आम लोग जो ऐसे समाज सेवी हैं उनको आगे आना पड़ता है। समाज के लिए, अपने फरीदाबाद के लिए बेसिकली उसमें करता हूं। कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी सर अभी 40 ईयर है। 40 ईयर क्या कर क्या काम करते हैं? मेरा अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का आर्किटेक्ट का काम है। अभी मैं रिसेंटली अभी सुबह भी देख रहा था, मैंने कल आपके किसी पत्रकार भाई के माध्यम से देखा था कि इसमें एक गाड़ी गिर गई थी और आज सुबह जब मैं जा रहा था तो यहाँ पे एक सरदार जी बुजुर्ग थे, वो अपनी बिटिया को यहाँ इसमें एयरपोर्ट पे कोई उनकी वो थी अपॉइंटमेंट उसमें लेके जा रहे थे, बट उनकी गाड़ी भी रेड कलर की इसमें चली गई थी जिसकी मेरे पास वीडियो है। तो उसके बाद मैंने ये बोर्ड बनवा के लाया हूँ जिससे और कोई भाई नहीं जाए। मेरे को सबसे बड़ा जो अपने लिए होता है ना, सिंगल एक सोच है कि जो लोग जा रहे हैं इस पे से हजारों लोग जाते हैं, बट कोई भी जो जिनकी गाड़ी इसमें गिर चुकी है लास्ट मतलब मंथ में मेरे हिसाब से 8-10 गाड़ियां गिर चुकी हैं इसमें, तो जिनकी गाड़ी गिर चुकी है वो भी ये नहीं सोचते कि हमने जो दुख यहाँ पे झेला है वो कोई और ना देखे, वो क्योंकि फरीदाबाद का हमारा कोई भाई है, क्योंकि जैसे हम देश के लिए करते हैं, देश में जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे करते हैं, अगर हम सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ठोक दें तो बॉर्डर पे भी कोई नहीं जाएगा, वो भी कह सकते हैं कि हमारी सरकार देखेगी बॉर्डर पे हम क्यों जाएं, बट सरकार देश के लिए सैनिक जाते हैं उनके लिए हम भी इमोशनल होते हैं, चाहे वो हमारी खुशी में होते हैं चाहे उनके दुख में होते हैं। तो ऐसे ही फरीदाबाद के लिए जो हम करना चाहें हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने फरीदाबाद के युवा से, सबसे बड़ा कि जो भी हम कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं हम वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, बट हम इतना नहीं सोचते कि वो इंसान की वजह से शायद उसका पूरा परिवार वेट कर रहा है और एक इंसान के जाने से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। हम वहाँ पे सरकार को उस समय भी कोसते हैं कि एम्बुलेंस नहीं आए, पुलिस वाले नहीं आए, बट हमारे पास आज की डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर मैं कहता हूँ इंडिजिनल मेरे पास अपना व्हीकल भी नहीं है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी हम उस पेशेंट को सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं।